10 जून तो झोने की बिजाई की शुरुआत होगी, तो दिने बिजली मिलेगी उन्होंने 8 घंटे या 8 तो बद भी मिल सकती, कोई बिजली की घाट नहीं रहेगी। मैं कई जगह पर बोलते हुए कहा कि इस बार पिछली बार भी होया, इस बार भी होगा कि मोटर बंद करके जड़ा वो झोना लाएंगे लोग। 1500 रुपया पर एकड़ के हिसाब न पैसे दिते जाएंगे। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। अज दे इस वीडियो का मकसद झोने की लवाई, झोने का सीजन। पिछले साल असी एक तजर्बा किया कि एकदम झोना लाने की बजाय पंजाब नूं दो तीन भागों च वंडिया, बड़ा सफल रहा तजर्बा। सो इस बार भी असी पंजाब नूं चार भागों के वंड रहे हैं, तो झोने की लवाई जिहड़ी है, झोने का सीजन जिहड़ा है, उहदियां डेटां जिहड़ियां ने, उहदियां तरीकां जिहड़ियां ने, उह मैं अनाउंस करन लग्गिया कि इन्हां इन्हां जिलों च इन्नी इन्नी तरीक तक झोना लगेगा, उस हिसाब नाल तुहानूं बिजली भी जिहड़ी है पूरी दित्ती जाऊगी। सब तो पहला जोन हैगा है, जो बार्डर दे नाल तार है, तार दे परले पासे, जो तार दे परले पासे तार दे पार जिहड़े खेत ने, वो 10 जून तो झोने की बिजाई कर सकते हैं। जिन्हें भी तार तो पार दे खेत ने, तो उन्होंने जिहड़ी बिजली है वह भी दिने दित्ती जाऊगी, क्योंकि रात को जिहड़े बॉर्डर एरिया होने करके बहुत सारिया दिक्कतों का सामना करना पैंदा। सो किसानों ने सानू यह सुझाव दिता सी, तो उन्होंने मानते हुए असी 10 जून तो तार दे पार झोने की बिजाई की शुरुआत होगी, तो दिने बिजली मिलेगी उन्होंने 8 घंटे या 8 तो बद भी मिल सकती। फिर है जी 16 जून जिहड़े 7 जिले असी चुने ने, 16 जून तो लैके 16 17 18 मतलब वो झोना लाएंगे, वो जिले ने फिरोजपुर, फरीदकोट, पठानकोट, श्री फतेहगढ़ साहब, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर, तरन तारण। ये 7 जिले 16 जून तो झोने की जिहड़ी बिजाई करनगे, इन्हां नूं 16 जून तो जिहड़ी है बिजली जिहड़ी है वो उस हिसाब नाल 8 घंटे ते 8 घंटे तो उपर भी मिलेगी, नाल नहरी पानी भी नाल नाल होगा, जिथे जिथे भी नहरी पानी की सुविधा हैगी। 19 जून नूं तीजा भाग है, जिहदे विच रूपनगर, रोपड़, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, कपूरथला, लुधियाना, फाजिलका, बठिंडा ते अमृतसर, ये 7 जिले जिहड़े ने वो 19 जून तो झोने की बिजाई करनगे। 21 जून तो जिहड़े 9 जिले ने उन्हां दे विच पटियाला, जलंधर, श्री मुक्तसर साहब, होशियारपुर, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला, मानसा, ये 9 जिले जिहड़े ने वो 21 जून तो झोने की बिजाई करनगे, उस हिसाब नाल इन्हां नूं बिजली जिहड़ी है वो लगातार मिलेगी, कोई बिजली की घाट नहीं रहेगी। मैं कई जगह पर बोलते हुए कहा कि इस बार पिछली बार भी होया, इस बार भी होगा कि मोटर बंद करके जड़ा वो झोना लाएंगे लोग, क्योंकि बिजली साढ़े को कोई कमी नहीं, साढ़े को 1.5 महीने का कोला पे है। और एक जिहड़ी मैं बेनती करनी है वो ये है कि जिहड़ी पूसा 144 है वो तो जिन्ना हो सके गुरेज किया जाए उन्होंने बीजण तो, क्योंकि वह दिन भी बहुत लेंदी है, 150 दिन तो उपर पक्कण नूं लेंदी है, उहदी पराली भी ज़्यादा होंदी है, दिन ज़्यादा लेंदी है तो मतलब पानी भी ज़्यादा कढ़ना पऊगा धरती चों, तो बिजली भी ज़्यादा लगेगी। सो PR 126 जिहड़ी है किस्म वो 92-93 दिनों च पकदी है, पराली भी घट होंदी है तो झाड़ भी बहुत वधिया होंदा। सो PAU वल्लों रिकमेंडेड जिन्नियां भी PR 126 जां PR 121 जां जिन्नियां भी होर किस्मां ने उहनां नूं बीजण की तरजीह दिओ। एक महत्वपूर्ण फैसला होर है, पिछली बार भी कीता सी कि DSR जिहड़े बिना कद्दू कीत्यां सीधी बिजाई करनगे उहनां नूं 1500 रुपया पर एकड़ दे हिसाब नाल जिहड़ी है सन्मान राशि कह लो, क्योंकि पानी बचाउणा है तां सन्मान ही करना पैंदा, जिन्हें पानी का एक तुपका भी बचाया
ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਾਣੀ ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ। 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ ਝੋਨਾ। ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਇਹ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਉਣਗੇ। 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, 5-7-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਵੇਰੇ 5-9 ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-10। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।